जूले नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। बनियाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्पीति के क्यूलिंग गांव में हैं और यहां पर स्पीति प्रशासन के तहत जो है वो स्वास्थ्य विभाग और डोगरा स्कॉट के संयुक्त तत्वाधान से जो है वो यहां पे एक वन डे कैंप जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो आपको भी दिखाते हैं, इस ब्लॉग में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए ब्लॉग की कि कौन सा मेरा वीडियो आ रहा है और कौन सा आया। तो प्लीज़ ब्लॉग पे बने रहें, धन्यवाद। ये घंटी बजाकर लोगों को जो है गांव के लोगों को बुलाते हुए ताकि कैंप में लोग जो है वो पहुंच पाए। सात अप्रैल 1948 जेनेवा से फॉरेन देश हुआ ना, और फिर इसका वो डेवलपमेंट हो रहा है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा भी क्या है, प्लैनेट की बोलो तो हमारा हेल्थ भी इफेक्ट कर रहा है। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे कैंप के लिए तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, कैंप जो है वो लग गया है। और इस तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है वो हेल्थ एजुकेटर जो है वो पर डे के बारे में और सरकार की हिम केयर, सहारा योजना, आयुष्मान भारत ऐसी योजनाओं के बारे में जो है संक्षिप्त जानकारी लोकल लोगों को लोकल डायलेक्ट में दे रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों और सरकार की योजनाओं का जो है वो लाभ उठा पाए। तो आप भी देखते रहे ब्लॉग में कि मेडिकल कैंप ट्राइबल जैसे एरिया में कैसे आयोजित होता है। क्या नाम है, नाम क्या है, नाम नहीं पता। क्या नाम है, कुंगा, ओ कुंगा, कुंगा नाम है। हेलो नहीं करेगा, हेलो करो, हेलो करो, गुड। कैमरा लेना है, नहीं लेना, मेरा फोटो खींचो, नहीं खींचना। मम्मी कहाँ है, मम्मी, मम्मी कहाँ है, वो तो दादी है। की राशि है ना GSY, तो हमारा ट्राइबल एरिया है तो इसमें सबके लिए मिलेगा, उसके साथ प्लस क्या मिलेगा, इंस्ट्यूशन डिलीवरी हुआ क्या था, खबर था उसमें कि तू ये पसंद नहीं करते ना, तो नहीं करते ना, इंस्ट्यूशन डिलीवरी के लिए क्यों हम लोग करते हैं, अगर इंस्ट्यूशन आप लोगों ने मेन ध्यान यहाँ रखा कि दो हफ्ते से अधिक खांसी हो तो मतलब कि अपने हॉस्पिटल आ सकते हैं, रात को बुखार आएगा और पसीना निकलेगा। जैसे आजकल ठंड का मौसम है फिर भी आप लोग जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल जैसे टीबी के पेशेंट होंगे तो रात को पसीना आएगा, पूरा मतलब कि बनियान आपके गिला हो जाएगा, तो ये सिम्टम्स टीबी के हैं। भूख ना लगना, भूख नहीं लगेगा तो वजन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। हाँ जी, ज़्यादा लगे उसका ज़्यादा लगा, मेरे को ज़्यादा लगे। हाँ जी, वो बात है, तभी वो खांस रहे तो आपने सजेस्ट करना है कि उनको हॉस्पिटल जाए, अपना प्रॉपर चेकअप कराए। नहीं, मेन वो है, ये चीज़ें आप लोगों ने अपने घर में भी इम्प्लीमेंट करना है, पड़ोस में भी, गाँव के अंदर भी, हर चीज़ मतलब कि जैसे हम ICU में यही बोलते हैं कि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देना है हम लोगों, जब तक एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन कॉपरेट मसल में हम मतलब कि TB को नहीं हरा सकते। पिछली बार हम लोगों ने जब सर्वे किया था तो मतलब कि ऑल ओवर मतलब इंडिया में सिल्वर मेडल दिया गया हिमाचल मतलब कि लाहौल स्पीति ने, इस बार भी हमारे को सिल्वर मेडल मिला, अब इसमें हम गोल्ड मेडल दे सकते हैं, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इस काउंटर पे दी जा रही है मरीजों को जो डॉक्टर दवाई लिख रहे हैं, और ये आर्मी वाले ही दवाई जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, डोगरा स्कॉट वाले। ECG की मशीन भी यहाँ पे जो है वो ECG की मशीन रखी गई है ताकि लोगों के टेस्ट यहाँ पे किए जाए।
बार बार चिन बिके नीचो कसा आज यहाँ पर कुलिंग गांव पर डॉक्टर डोगरा स्कॉट के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य केंद्र काजा के द्वारा यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने अपने पूरे परिवार का चेकअप कराया है। थैंक यू सभी को। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये अभी तक इस कैंप में सबसे वरिष्ठ है। 82 इयर्स इनकी एज है और इनका बीपी जो है वो अपोलो टेली मेडिसिन सेंटर के द्वारा किया गया। अभी इनको डॉक्टर के पास फॉरवर्ड किया जा रहा है। देखिए किस तरह ग्रामीण एरिया में ऐसी इस तरह के कैंप कैसे अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि काजा जाना और घर से दूर फिर वो दिक्कत करता है, तो घर आंगन में ऐसी फैसिलिटीज़ जो है इन्हें मुहैया करवाई जा रही है। अभी कैंप से हमें लंच के लिए जा रहे हैं, ब्रेक मिली है। फोन दे टाइम जो जुड़ा जुड़ना